हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन प्लाजा। आज हम एक सब्जी बनाने जा रहे हैं जो कि मोस्टली ज़्यादातर घरों में फेंक दिया जाता है, वो है फूलगोभी की डंठल। इसको या तो गाय में को दे देते हैं या तो फेंक देते हैं हम लोग, लेकिन इसकी भी एक बहुत अच्छी और टेस्टी सब्जी बनती है। उसको कैसे बनाना है और क्या क्या सामान लगेगा, चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये फूलगोभी की डंठल चाहिए, जो साइड साइड में फूलगोभी की लगा रहता है उसको हमें निकाल के लाना है और अच्छी तरह से धोना है, और उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में हम अब काट लेंगे। और उसके साथ जो सामान चाहिए हमें, ये है 20 कली लहसुन और 100 ग्राम मूंगफली के दाने। अब हम इस मूंगफली के दाने और लहसुन को मिला के एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें कि थोड़ी सी एक हरी मिर्च भी डालेंगे और आधा हरी मिर्च हम बघार लगाते वक्त डालेंगे, इसीलिए रखे रहेंगे। और नमक चाहिए और टमाटर चाहिए 2 बड़े और 1 बड़ा प्याज चाहिए। और खाना बनाने के लिए ये मैंने लिया है मूंगफली का तेल, आप अपने हिसाब से जो तेल यूज करते हैं वो ले सकते हैं, और थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, और उसके बाद ये लहसुन और मूंगफली का पेस्ट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारी फूलगोभी की डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया है, और ये मूंगफली और लहसुन का पेस्ट भी रेडी हो गया है। अब इस दोनों को हमें प्रेशर कुकर में डाल के और साथ में टमाटर भी डाल के 4 सीटी आने तक बॉईल करना है। पहले तेज आंच में 2 सीटी, फिर उसके बाद सिम में 2 सीटी लगाना है। ये हमारा प्रेशर कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, इस पे हम डालेंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए फूलगोभी की डंठल। ये हमने डंठल डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली का पेस्ट। सारा पेस्ट ही डाल देना है हमें, और उसके बाद उसमें ये टमाटर भी डाल देना है ऊपर से। इसके साथ हमें 2 बड़े चम्मच पानी भी डालना है ताकि नीचे से ये लग ना जाए। अब हमें इसकी ढक्कन बंद करके सीटी आने देना है। हमारा 2 सीटी आ गया है, अब आंच को धीमी कर देते हैं जिससे कि धीमी आंच में और 2 सीटी आ पाए। जब तक हमारा सीटी आ रहा है तब तक हम दूसरे तरफ गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा के 2 बड़े चम्मच तेल डालना है, और तेल को हमें गरम होने देना है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी जीरा चटकाएंगे। फिर इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची डालने के बाद जो हमारा कटा हुआ प्याज था, अब हम इसको इसमें डालेंगे। प्याज डाल के हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और इधर हमारा सीटी भी हो गया है, ये कुक भी हो गया है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है। और ये प्याज जब तक भुनेगा तब तक इसकी सारी गैस बाहर निकल जाएगी, तो हम इसको इसमें डाल सकेंगे। प्याज हमारा जो है वो गोल्डन ब्राउन होने लगा है, ये देखिए, ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा गोल्डन गोल्डन होके ब्राउन कलर आ रहा है। इधर हमारा गैस भी गया कि नहीं चेक कर लेते हैं, अभी है, इसको जाने में थोड़ा सा 2-3 मिनट और लगेगा। कुकर खोलने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से हुआ है। सबसे पहले हमें इसकी जो मूंगफली और टमाटर, उन दोनों को निकाल के इसी प्याज में डालना है। ये जो मूंगफली है इसको निकाल देना है, और अलग से इसको हमें इसमें डालना है। अब बाकी का जो डंठल है ना, इसको भी हमें अब इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए उबालना है। अब लास्ट में जो है हमें इसमें नमक ऐड कर देना है, और थोड़ी देर इसको
गैस पे बिठाना है ताकि वो नमक अच्छी तरह से चारों तरफ अब्जर्व हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा दिखने में भी लग रहा है, पूरे व्हाइट कलर की और उसके साथ ये ग्रीन ग्रीन डंठल की पत्ते और टमाटर उसका कलर को कितना अच्छा दिखा रहा है। और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है मूंगफली की पेस्ट की वजह से, एक इसका एक अलग सा स्वाद आता है। ये हमारा सब्जी रेडी हो गया है, इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारी सब्जी रेडी हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खाया जा सकता है, पराठे पूड़ी सबके साथ खाया जा सकता है। आप जरूर इसको एक बार ट्राई करिए, आगे से जब फूलगोभी लाए अपने घर में तो उसकी डंठल को फेंकिए मत, इसे इस तरह से बनाइए और खा के देखिए कितना टेस्टी लगेगा। ये जो मैंने मिर्ची डाला है काट के, ये एक्चुअली रेड चिली जैसा दिख रहा है लेकिन ये ग्रीन चिली जो रेड होके पक जाता है उसके बाद है। इसको ऐसे काट के डालूंगी ये गरम गरम सब्जी में और उसके ऊपर अगर इस तरह से ढक्कन लगा के हम रख देंगे तो ये मिर्ची का फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाएगा तो उसका टेस्ट और दुगना बढ़ जाएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।